हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रतन स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी लोगों के लिए फिर से इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स लेके आया हूँ। फ्रेंड्स, मेरा हमेशा से भरसक प्रयास रहता है कि आप लोग बेअटक अंग्रेजी बोलना सीखें। फ्रेंड्स, आज के जो हमारा वीडियो है ये तीसरा दिन है, यानी कि थर्ड डे। इसमें हम लोग क्या सीखेंगे दोस्तों? भावबोधक, यानी कि इसका जो इंग्लिश होगा एक्सक्लेमेशन। क्लियर? इसमें क्या होता है, जो अंग्रेजी में मन के अलग अलग भावों को प्रकट करने का अपना एक तरीका होता है दोस्तों। यह सरल भी है और सुंदर भी। हैरानी, दुखी, खुशी, नाराजगी और भी दूसरी कई भावों को छोटे छोटे वाक्यों व दो तीन शब्दों में बहुत अच्छे ढंग से कहा जा सकता है। इसको समझिएगा जो मैं बोल रहा हूँ। ओके, इन शब्दों और वाक्यों को हम आम बोलचाल में बार बार प्रयोग करते हैं कि नहीं? तो भावबोधक यानी कि एक्सक्लेमेशन से जितने भी वर्ड्स रहेंगे आज मैं आपको इस वीडियो में अच्छे प्रकार से बताऊंगा। क्लियर? चलिए शुरुआत करते हैं। अब यहाँ पे देखिए पहला वाक्य है दोस्तों, वाह वाह। इसका देखिए, आइए देखते हैं अंग्रेजी होगा दोस्तों मार्वलस। क्या होगा दोस्तों? मार्वलस। अब देखिए, जैसे हम बोलेंगे वाह वाह आपने तो कमाल कर दिया, तो आप केवल इंग्लिश वर्ड इतना बोलें मार्वलस, वंडरफुल, वाह वाह अति सुंदर, मार्वलस, ब्यूटीफुल। अब देखिए सेकेंड हमारा वाक्य है शाबाश। अब देखिए दोस्तों, इसका अंग्रेजी होगा वेल डन। अब यहाँ पे आप इस तरह प्रयोग कर सकते हैं वाह वाह, या इस तरह बोल सकते हैं शाबाश आपने तो कमाल कर दिया, वेल डन, वंडरफुल। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे थर्ड वाक्य है अति सुंदर। अति सुंदर, इसका इंग्लिश होगा दोस्तों ब्यूटीफुल। अब यहाँ पे देखिए, हम इस प्रकार बोल सकते हैं वाह वाह बहुत अति सुंदर। तो देखिए इसका अंग्रेजी क्या हो जाएगा दोस्तों? मार्वलस, वेरी ब्यूटीफुल, मार्वलस, वेरी ब्यूटीफुल। क्लियर? नेक्स्ट वाक्य है अरे। क्या दोस्तों? अरे, इसका अंग्रेजी वर्ड हो जाएगा दोस्तों है। क्या हो दोस्तों? है। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट वर्ड है वाह। नेक्स्ट हमारा वाक्य है वाह। क्लियर? अब इसका देखिए अंग्रेजी क्या हो जाएगा? वाव। क्लियर? आइए नेक्स्ट देखते हैं वाक्य हे राम। क्या दिया दोस्तों? हे राम। इसको देखो दो प्रकार से, माय गॉड या ओ गॉड। क्लियर? आइए नेक्स्ट वाक्य देखते हैं आपने तो कमाल कर दिया। आपने तो कमाल कर दिया, इसका अंग्रेजी होगा दोस्तों वंडरफुल। क्या होगा दोस्तों? वंडरफुल। आइए नेक्स्ट वाक्य देखते हैं बेशक। बेशक, इसका अंग्रेजी वाक्य होगा दोस्तों ऑफ कोर्स। ऑफ कोर्स। क्लियर? आइए नेक्स्ट वाक्य देखते हैं ईश्वर का धन्यवाद। ईश्वर का धन्यवाद, इसका अंग्रेजी होगा दोस्तों थैंक गॉड। आइए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों ईश्वर की कृपा से। ईश्वर की कृपा से, इसका अंग्रेजी होगा दोस्तों बाय गॉड्स ग्रेस। बाय गॉड्स ग्रेस। आइए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों खुदा आपको बरकत दे। खुदा आपको बरकत दे, इसका अंग्रेजी होगा दोस्तों मे गॉड ब्लेस यू। आइए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों आपको भी, इसका अंग्रेजी होगा दोस्तों सेम टू यू। आपको भी का अंग्रेजी होगा दोस्तों सेम टू यू। आइए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया का अंग्रेजी होगा दोस्तों एक्सीलेंट। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। आइए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों बड़े दुख का समाचार। बड़े दुख का समाचार, इसका अंग्रेजी होगा दोस्तों हाउ सैड। बड़ा दुख का समाचार, हाउ सैड। आइए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों बड़ी खुशी का समाचार, इसका अंग्रेजी होगा दोस्तों दैट इज अ गुड न्यूज। क्लियर? आइए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कितनी बड़ी विजय, इसका अंग्रेजी होगा दोस्तों व्हाट ए ग्रेट विक्ट्री। व्हाट ए ग्रेट विक्ट्री। क्लियर? आइए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों सुनिए, इसका अंग्रेजी होगा दोस्तों हेलो, या फिर आप इसको लिसन भी कह सकते हैं। सुनिए, हेलो, या फिर लिसन। क्लियर? हेलो भी बोल सकते हैं और लिसन भी। नेक्स्ट है दोस्तों फटाफट कीजिए। फटाफट कीजिए, इसका अंग्रेजी होगा दोस्तों हरी अप प्लीज। फटाफट कीजिए, हरी अप प्लीज। हरी अप प्लीज यानी कि फटाफट कीजिए। क्लियर? आइए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कितनी बुरी बात। कितनी बुरी बात का अंग्रेजी होगा दोस्तों हाउ टेरिबल। हाउ टेरिबल यानी कि कितनी बुरी बात। क्लियर? कितनी बुरी बात, हाउ टेरिबल। ऐसे आप लोग प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट कितनी अपमान की बात है। कितने अपमान की बात है, इसका अंग्रेजी होगा दोस्तों हाउ डिसग्रेसफुल। हाउ डिसग्रेसफुल कितनी या कितने अपमान की बात है। क्लियर? आइए नेक्स्ट देखते हैं बड़ी फिजूल बात है।
बड़ी फिजूल बात है इसका अंग्रेजी को दोस्तों, हाउ एब्सर्ड, हाउ एब्सर्ड, क्लियर, हाउ एब्सर्ड बड़ी फिजूल बात है, क्लियर। आइए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, उसकी इतनी हिम्मत, इसका अंग्रेजी होगा दोस्तों हाउ डेयर ही, हाउ डेयर ही, उसकी इतनी हिम्मत, आप बोल सकते हैं उसकी इतनी हिम्मत, हाउ डेयर ही। आइए नेक्स्ट देखते हैं, क्या खूब, क्या कहते दोस्तों, क्या खूब, इसका अंग्रेजी को दोस्तों हाउ स्वीट, अगर आप बोले हैं क्या खूब तो आप अंग्रेजी बोल सकते हैं हाउ स्वीट, क्लियर। आई नेक्स्ट, कितना सुंदर, कितना सुंदर, इसका अंग्रेजी को दोस्तों हाउ लवली, कितना सुंदर यानी कि हाउ लवली, क्लियर। आप कहीं भी बोल सकते हैं कितना सुंदर, इसके जगह आप इंग्लिश बोल सकते हैं हाउ लवली। नेक्स्ट, ऐसा कहने की तुम्हें हिम्मत कैसे हुई, गुस्से में बोलते हैं ना, ऐसा कहने की तुम्हें हिम्मत कैसे हुई, इसका अंग्रेजी को दोस्तों हाउ डेयर यू से दैट, हाउ डेयर यू से दैट, क्लियर। ऐसा कहने की तुम्हें हिम्मत कैसे हुई, क्लियर। आई नेक्स्ट, प्यारे, प्यार से बोलते हैं ना प्यारे, इसका जो है अंग्रेजी हो जाएगा दोस्तों ओ डियर, इसको देखिए इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा ओ नहीं पढ़ेंगे, ओ डियर, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, जल्दी चलो, इसका अंग्रेजी होगा दोस्तों हरियप, या फिर आप बोल सकते हैं वॉक फास्ट, हरियप भी बोल सकते हैं जल्दी चलो का, या फिर वॉक फास्ट। नेक्स्ट, चुप रहिए, क्या लिखा दोस्तों, चुप रहिए, इसका अंग्रेजी होगा दोस्तों कीप क्वाइट, या फिर इसको आप बोल सकते हैं क्वाइट प्लीज, या फिर आप बोल सकते हैं प्लीज कीप क्वाइट, क्लियर। तो देखिए, चुप रहिए प्लीज कीप क्वाइट, या फिर क्वाइट प्लीज, क्लियर। आइए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, हाँ ऐसा ही, हाँ ऐसा ही, इसका अंग्रेजी को दोस्तों यस इट इज, हाँ ऐसा ही, यस इट इज, क्लियर। आई नेक्स्ट, सचमुच, इसका अंग्रेजी को दोस्तों रियली, रियली, आप कहीं भी बोल सकते हैं सचमुच बोलते हैं यार सचमुच, रियली, क्लियर। आई नेक्स्ट देखते हैं, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद का अंग्रेजी होगा दोस्तों थैंक यू, अगर आप कहीं बोलते हैं आपका धन्यवाद उसकी जगह आप ये अंग्रेजी बोल सकते हैं थैंक यू। नेक्स्ट, यह दिन बार बार आए, इसका अंग्रेजी होगा दोस्तों मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, कहीं भी आप इस वाक्य का अंग्रेजी बोल के सभी को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, क्लियर। आई नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, आहा मैंने मैच जीत लिया, जब आप लोग क्रिकेट खेलते हैं तो अंग्रेजी का वर्ड्स ये बोल सकते हैं, ओके हुर्रे आई हैव वन, हुर्रे आई हैव वन, क्लियर। आई नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, बधाई, इसका अंग्रेजी हो दोस्तों कॉन्ग्रेचुलेशंस, ओके कहीं भी आप किसी को बधाई देते हैं तो बधाई का जो अंग्रेजी होगा वो होगा कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्लियर। आई नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, कितनी बेहूदगी है, कितनी बेहूदगी है, इसका अंग्रेजी को दोस्तों व्हाट नॉनसेंस, कितनी बेहूदगी है उसकी जगह आप अगर अंग्रेजी बोलेंगे व्हाट नॉनसेंस तो सभी को अपने ओर आकर्षित कर सकते हैं, क्लियर। आई नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, कितनी शर्म की बात है, कितनी शर्म की बात है, इसका अंग्रेजी को दोस्तों व्हाट अ शेम, कितनी शर्म की बात है अगर इसकी जगह आप अंग्रेजी बोल देंगे तो सभी को अपने ओर आकर्षित कर सकते हैं, व्हाट अ शेम, क्लियर। आई नेक्स्ट देखते हैं, कितना सुखद आश्चर्य है, कितना सुखद आश्चर्य है, इसका अंग्रेजी को दोस्तों व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज यानी कि कितना सुखद आश्चर्य है, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। नेक्स्ट, कितना बढ़िया सूझ है, कितना बढ़िया सूझ है, इसका अंग्रेजी को दोस्तों व्हाट एन आइडिया, व्हाट एन आइडिया बोलते हैं ना, कितना बढ़िया सूझ है, इसका अंग्रेजी हो जाएगा दोस्तों व्हाट एन आइडिया, क्लियर। नेक्स्ट, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है, इसका अंग्रेजी हो जाएगा दोस्तों वेलकम सर, क्लियर। सो गाइस, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा माय यूट्यूब चैनल रतन स्टडी पॉइंट, साथ में बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूँ वो आप तक नोटिफिकेशन के जरिए मैसेज पहुँचता रहे। वीडियो को लाइक करिए और अपने सभी मित्रों में शेयर करिए।